लॉयंस क्लब शक्ति की जिस तरीके से सब आप लोग जानते हैं सेवा कार्यों में आगे रहता है, इसलिए मैं अनुप्रिया ग्रोवर लॉयंस क्लब शक्ति की प्रेसिडेंट आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है, इसी को सफल बनाते हुए हमारा लॉयंस क्लब शक्ति तत्पर निरंतर इस कार्य में लगा हुआ है कि हर घर तिरंगा की मुहिम सफल हो। इसको देखते हुए आज भी हमारे क्लब वासियों की तरफ से, सदस्यों की तरफ से बहुत से झंडे वितरित किए गए हैं, जो कि 13 से 15 जो हमारी मुहिम चलाई गई है उसके तहत ये कार्य सफलतापूर्वक होता रहेगा। इसलिए एक बार फिर से मैं लॉयंस क्लब शक्ति की प्रेसिडेंट अनुप्रिया ग्रोवर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मैं अवधेश कुमार दीक्षित, उपाध्यक्ष छावनी परिषद। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, हमारे देश के नायक माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये 75वां स्वतंत्रता दिवस त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें घर घर तिरंगा लगाकर इस आयोजन को हम लोग 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक वृद्ध रूप से मनाएंगे। जैसा कि विदित है कि शाहजहाँपुर की धरती स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानियों के रूप में पहचानी जाती है, इसीलिए हम सब अपने बच्चों को, बुजुर्गों और युवाओं को ये इस आयोजन के तहत ये बताना चाहते हैं कि हमारे शहीदों और बलिदानियों की क्या भूमिका रही है और आज़ादी का क्या महत्व है। इस अवसर पर हम सभी कैंट वासियों को, सभी नगर वासियों को और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आलोक अंचल द मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी अपने विद्यार्थियों को और स्टाफ को, शहर के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो 75वीं साल की स्वतंत्रता दिवस की महोत्सव मनाया जा रहा है, सभी घरों में झंडे फहराए जा रहे हैं, सभी लोग झंडे लगा रहे हैं, उनको सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश पूरे संसार में सबसे ऊंचा रहे और हमारे देश का झंडा सबसे ऊंचा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरा इच्छा है। धन्यवाद। जुर्म सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम है सच, साहस और सरोकार। छिंगेलाल राठौर, निवर्तमान सभासदपति गदियाना। मैं सभी देशवासियों को, जनपदवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है। आज 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। आज से 72 साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ों की हुकूमत में था। भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया, जाने कितने लोग शहीद हुए, तब जाकर भारत को आज़ादी मिली। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अपील की है कि घर घर तिरंगा लगाएं और सब लोग भरपूर इसमें सहयोग करें। और जित हम लोगों ने कल भी माननीय मंत्री जी ने मीटिंग ली थी, तो वार्ड सभासद और जितने युवा मोर्चा अध्यक्ष और सदर मंडल अध्यक्ष, जितने के अध्यक्ष, सब लोग घर घर जाएंगे और सब लोगों से अपील करेंगे कि 15 तारीख को, 9 से 15 तारीख तक हर घर में झंडा लहराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं 15 अगस्त अमृत महोत्सव आज हमारे पूरे देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है, मैं इसकी सभी अपने क्षेत्रवासियों को और जनपद वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश और देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमारे क्षेत्र में भी हर घर
तिरंगा का लहराया जा रहा है, हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। मैं सभी अपने गांव वासियों को और क्षेत्रवासियों को इस आज़ादी अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आह्वान करा है संपूर्ण देश का कि ये हमारा स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है और संपूर्ण देश में इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में कार्यक्रम चल रहा है। 2 अगस्त से घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है, तो इस अवसर पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मैं सुमित खन्ना, प्रभारी खत्री धर्मशाला शाहजहांपुर, जिला कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, अपनी तरफ से समस्त जनपद वासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सबसे ये निवेदन करता हूं कि मिलजुल कर ये हम लोग इस पर्व को खूब हर्षोल्लास से मनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें आपसी मनभेद मतभेद सामने नहीं आने चाहिए किसी प्रकार के, और सब मिलजुल के हंसी से ये राष्ट्रीय पर्व मनाएं। जय हिंद। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं सुरेश प्रताप सिंह, रूपा एंड कंपनी व अपने परिवार की ओर से अपने समस्त जनपद वासियों, प्रदेश वासियों को 75वें अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष में हर घर तिरंगा का जो आह्वान किया गया था, आज शहर में हर तरफ तिरंगा दिखाई पड़ रहा है। ये सौभाग्य जो प्रधानमंत्री जी ने जनता को दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हर घर तिरंगा प्रोग्राम को सफल बनाने में उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैं अपने परिवार एवं रूपा वर्ण कंपनी की ओर से सभी जनपद वासियों को एवं को धन्यवाद करता हूँ। मैं हरीश बजाज, सभासद वार्ड नंबर 2, पंजाबी महासभा का उपाध्यक्ष और कृष्णनगर मंदिर के कार्यवाहक प्रधान, मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने शहर के सभी नागरिकों को, वार्ड के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आपकी हमारे प्रधानमंत्री ने जो 75वां अमृत महोत्सव का प्रोग्राम रखा है, उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सबको आज़ादी का महत्व समझाने की कोशिश की है। एक एक हिंदुस्तानी को उन्होंने उसके देशभक्ति भरने की कोशिश की जा रही है। अब इस बार हर बार की तरह हमारे कृष्णनगर मंदिर में भी 15 तारीख को ध्वजारोहण होगा, उसमें सभी हमारे वार्ड के सदस्य उसमें व प्रतिष्ठित नागरिक सभी उसमें हिस्सा लेंगे, और मेरी तरफ से पुनः एक बार सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांव पे, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस